कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है हिंदी। मैं कक्षा दसवीं का पहली इकाई का पहला पाठ भारत महिमा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके कवि हैं त्रिजयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस कवि हैं। छायावादी युग में चार कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसी में के जयशंकर प्रसाद जी की कविता आपके सामने प्रस्तुत है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं छायावादी कवि के युग के। जयशंकर प्रसाद की या छायावादी कवियों की एक खूबी रही है कि ये लोग कभी भी प्रकृति पे ही कविता लिखे हैं और देश के ऊपर कविता लिखे हैं, देश के इतिहास के ऊपर, देश का गुणगान किए हैं। तो आपके सामने जो कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, इसका नाम है भारत महिमा। अर्थात इसका मतलब होता है भारत का यशगान, भारत का गुणगान। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने दो पार्ट में इस कविता को बांटा है। जो पहला भाग है उसमें प्रकृति का अर्थात नेचर का वर्णन किया है और दूसरा जो भाग है उसमें हमारे अतीत के जो हमारे सम्राट, हमारे राजा हुए हैं, उनके गुणगानों का वर्णन किया है। किस तरह का हमारा भारत पहले था, किस तरह के भारत के सम्राट हुआ करते थे, इसके बारे में वर्णन किया है। जो इस पद के बारे में कहा गया है वह यह है कि इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने हमको ये संदेश दिया है या मैसेज दिया है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। हमारा देश सब देशों में बहुत ही अच्छा देश है, महान देश है और हमें कभी भी अपने देश पे अपने जान निछावर करने के लिए, अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए, अपना जान बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने हमको सीख दिया है, मैसेज दिया है। तो मैं आपके सामने जो इसकी पहली लाइन है वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि कह रहे हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं हिमालय के आंगन में, अर्थात हिमालय के आंगन भारतवर्ष को ही कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं हिमालय के आंगन में अर्थात भारतवर्ष में किरणों का दे उपहार, सूर्य की किरणों ने अपना उपहार दिया अर्थात अपना भेंट दिया। उषा ने हंस अभिनंदन किया, उषा उसे कहते हैं जो सूर्य की किरणों के पहले का समय होता है अर्थात भोर का समय। तो उषा ने भी भारत देश का हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, और हीरो का हार पहनाया। हीरो का हार से मतलब क्या है कि जब सूर्य की किरणें हिमालय के चोटियों पे जो बर्फ गिरे रहते हैं उस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह हीरे जैसे चमकने लगती हैं। इसी को कवि ने तो वह देखकर ऐसा लगता है कि उषा ने भारत देश को हीरो के हार से सजा दिया है अर्थात हीरे का हार पहना दिया है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जब सूर्य की किरणें हिमालय पे पड़े हुए बर्फ के ऊपर पड़ती हैं तो जैसे लगता है कि भारत देश ने हीरो का हार धारण किया हुआ है। तो यह पहला आपका जो पंक्ति है उसमें कवि फिर से मैं दोहराती हूँ, कह रहे हैं कि भारत वर्ष में सूर्य की किरणों ने सबसे पहले अपना उपहार दिया अर्थात भेंट दिया। उषा काल है जो सूर्य की किरणों के पहले का समय होता है, भोर का समय, उसने भी भारत वर्ष का हंसकर स्वागत किया और उसने हीरो का हार भारत वर्ष को पहनाया अर्थात हिमालय पर्वत पे जो चोटियों पे जो बर्फ गिरे रहते हैं, जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ी तो उसके चमकने से जैसे प्रतीत होता है कि भारतवर्ष ने हीरो का हार पहना हुआ है। अब दूसरी पंक्ति आपके सामने ये प्रकृति से ही रिलेटेड है, वह यह है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। कवि यह कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी यहाँ यह कह रहे हैं कि जगे हम मतलब हम भारतवासी, अर्थात यहाँ यह तात्पर्य है कि हम जगे अर्थात सबसे पहले भारतवर्ष में ही ज्ञान की शुरुआत हुई अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात हम जगे और लगे जगाने विश्व, फिर उसके बाद हमने ज्ञान का आविर्भाव पूरे देशों में किया अर्थात ज्ञान को पूरे देशों में फैलाया अर्थात हम पूरे देश को जगाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, फिर लोक मतलब पूरी दुनिया, आलोक मतलब होता है प्रकाश, उसके बाद हम इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने लगे। दूसरी लाइन है व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट,
व्योम मतलब होता है आकाश, तम मतलब होता है अंधेरा, पुंज मतलब होता है समूह, अर्थात आकाश में जो अंधेरों का समूह फैला हुआ था वह नष्ट हो गया। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था वो हमारे इस ज्ञान को देने से वह नष्ट हो गया, अर्थात समाप्त हो गया। अखिल संस्कृति वो उठी असो, उसके बाद अखिल मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया जो अज्ञान था उसमें जो शोक से भरा हुआ था उस अज्ञान से मुक्त हो गई, यानी अशोक हो गई, यानी शोक मुक्त हो गई। फिर इस लाइन को दोहराती हूँ, जगे हम लगे जगाने विश्व, अर्थात सबसे पहले हम भारतवासियों के पास ज्ञान आया तो हम जगे और पूरे विश्व के पास इस ज्ञान को हमने प्रदान किया, तब हम पूरे विश्व को जगाने लगे, लोक में फैला फिर आलोक, तो फिर पूरी दुनिया में इस ज्ञान का प्रकाश हुआ, यानी ज्ञान फैलने लगा। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, जो आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, यानी इस दुनिया में जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था उस ज्ञान के आने से वह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, उसके बाद जो पूरी दुनिया है वह ज्ञान प्राप्त करके अंधकार से मुक्त हो गई, यानी अशोक हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, विमल पाणी यानी कि सरस्वती माता के नाम लिया गया है, सरस्वती माता की कृपा सबसे पहले इस भारत देश पर हुई, कवि का ऐसा कहना है। विमल मतलब होता है पवित्र, वाणी मतलब सरस्वती देवी, लोग बोलते हैं ना कि उनके मुख पे सरस्वती माता का वास है, उन्होंने ऐसा कह दिया, तो वाणी मतलब होता है सरस्वती माता। तो विमल वाणी ने वीणा ली, अर्थात विद्या की देवी जो सरस्वती माता है उन्होंने अपने कमल कोमल यानी कि कोमल कमल जैसे, कर मतलब हाथ, हाथों में सप्रिय यानी प्रेम पूर्वक वीणा को धारण किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, तब क्या हुआ जब हमारी सरस्वती माता ने अपने हाथों में वीणा को धारण किया तो सातों स्वर यानी सारेगामा पा सप्त सिंधु सातों नदियों में जा उठे, छिड़ा तुम मधुर शाम संगीत, और तब जो मधुर शाम वेद है वो शाम संगीत पूरे दुनिया में फैल गया, अर्थात छिड़ गया। फिर से बताती हूँ, विमल वाणी ने वीणा ली, अर्थात जो विद्या की देवी है उन्होंने कमल कोमल कर में सप्रीत अपने कोमल कमल जैसे हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा को धारण किया, और जब उन्होंने वीणा को धारण किया तो सातों स्वर सातों नदियों में जाग उठे, और तब दुनिया में साम संगीत का फैलाव हो गया, साम संगीत छिड़ गया। ठीक है बच्चों, तो पीछे का आपने देखा जो जयशंकर प्रसाद जी का कविता आपने देखा, वो तीनों जो हमारी पंक्तियाँ थी वो प्रकृति से रिलेटेड थी, प्रकृति से जुड़ी हुई थी। अब हमारा जो आपके सामने जो पंक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैं, वो हमारे देश के सम्राट हैं उनके ऊपर है। जैसे हमारे लेसन का नाम क्या है, भारत महिमा, तो भारत के बारे में, भारत का गुणगान, भारत महिमा मतलब क्या होता है, भारत का गुणगान, भारत का यशोगान, उसके ऊपर आधारित है। इसमें कवि ने बताया है, जो पहली पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। कवि कह रहे हैं कि हमारे देश के जो सम्राट थे उन्होंने केवल लोहे के बल पर अर्थात तलवार के बल पर ही विजय प्राप्त नहीं किया, धर्म की रही धरा पर धूम, अर्थात धर्म मतलब होती है धरती, पृथ्वी, इस पृथ्वी पर धर्म की हमेशा धूम मची रही, अर्थात धर्म के आधार पर उन लोगों ने विजय प्राप्त किया, लोहे बल पर विजय प्राप्त नहीं किया। भिक्षुक होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम, हमारे देश के जो सम्राट थे वो भिक्षुक, भिक्षुक मतलब होते हैं भिखारी सन्यासी, वो सन्यासी बनकर रहते थे और लोगों के घरों में घूम घूम कर जाकर उनके दुख दर्द को बांटते थे, उनको समझते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे वो अपने घर को त्याग दिए, और अशोक सम्राट उन्होंने अपने बहुत बड़े राज्य को सम्राट को राज्य को त्याग दिया, साम्राज्य को त्याग दिया, और लोगों के घर घर जाकर के उनके दुख दर्द को दूर करते थे। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, जो मोहम्मद गौरी था उसको भी हमारे देश के राजाओं ने, इतने दयालु थे हमारे देश के सम्राट कि वैसे राजा को भी उन लोगों ने दया का दान दिया,
चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और जो चीन देश है उस समय चीन में अराजकता फैला हुआ था, वहाँ धर्म नहीं था। तो हमारा देश के जो राजा थे, जो भिक्षु थे, उन लोगों ने हमारे देश के सन्यासियों को वहाँ भेजा और धर्म का प्रचार करवाया। तो वहाँ पे भी हमारे धर्म की विजय हुई और धर्म की दृष्टि चीन में भी हमारे धर्म को वहाँ पे दृष्टि मिली, तथा वहाँ पे संसार मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। जो स्वर्ण भूमि को यह कहा जाता है बर्मा देश, जो बर्मा देश है वहाँ पे भी हमारे धर्म का प्रचार किया गया और वहाँ के लोगों ने भी उसको अपनाया, अर्थात उनको हमारा जो देश का ज्ञान है, जो धर्म है, उसके रूप में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। शील की सिंघल को भी सृष्टि, शील बोलते हैं जो गौतम बुद्ध का पंचशील सिद्धांत है उसको शील बोलते हैं। सिंघल मतलब श्रीलंका महाद्वीप, श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो पंचशील सिद्धांत है गौतम बुद्ध का, उसको हमारे सम्राट जो अशोक थे उनके पुत्र और पुत्री और उनके जो सन्यासी थे, उनके जो चेले थे, वो लोग चीन में जा करके इन पंचशील सिद्धांतों को वहाँ पे बताया और वहाँ के लोगों ने भी इसको अपनाया। इसीलिए कहा गया है शील की सिंघल को भी सृष्टि, अर्थात जो पंचशील सिद्धांत का उसको भी सिंघल द्वीप में सृष्टि मिली, वहाँ के लोगों ने उसको अपनाया। किसी को का हमने छीना नहीं, प्रकृति के का रहा पालना। ये कभी कह रहे हैं कि हमने किसी का छीना नहीं, बल्कि हमने विश्व को बहुत कुछ दिया है, प्रकृति का रहा पालना। ये जो भारत देश है हमारा, वह प्रकृति का पालना रहा है। पालना मतलब क्या होता है बच्चों, कि पालना ऐसे हमारे देश में जो प्रकृति है वह समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, अलग अलग मौसम आते रहते हैं, ऐसा हर देशों में नहीं है। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि हमारा देश जो है प्रकृति का पालना रहा है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं से आए नहीं है, कहीं से हम आए थे नहीं और हम कहीं से आए थे नहीं, हम यहीं के रहने वाले निवासी हैं। फिर से बोलती हूँ तीनों लाइन, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। कवि कह रहे हैं कि हमारा देश के जो राजा हैं उन लोगों ने लोहे से ही विजय प्राप्त नहीं किया, तथा तलवार से ही विजय प्राप्त नहीं किया, बल्कि इस धरा पर धरती पर उन्होंने धर्म से विजय प्राप्त किया, धर्म की हमेशा धूम मस्ती रही। भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। और जो हमारे देश के सम्राट थे वो भिक्षुक अर्थात सन्यासी के रूप में रहते थे और लोगों के घर जा करके उनको दया दिखाते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे। इसका सबसे बड़े उदाहरण है हमारे अशोक सम्राट और गौतम बुद्ध। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जो मोहम्मद गोरी था, ऐसे राजा को भी हमारे देश के जो सम्राट थे उन लोगों ने दया का दान दिया, और चीन को भी हमारे देश के जो राजा थे अपने देश को जो सन्यासी थे उनको भेजे और वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करवाया, और वहाँ पे भी हमारे धर्म को पूरा सृष्टि मिली, वहाँ के लोगों ने हमारे धर्म को अपनाया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा देश। बर्मा में भी जो हमारे देश के राजा हैं, जो भिक्षुक हैं, वो गए और हमारा देश हमारा धर्म को वहाँ पे प्रचार किया और वहाँ के लोगों ने भी उसको अपनाया, अर्थात हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो धर्म का ज्ञान है, उसको एक रत्न के रूप में बर्मा देश को अर्थात स्वर्ण भूमि को वहाँ पे मिला। शील की सिंघल को भी सृष्टि, शील अर्थात गौतम बुद्ध का पंचशील सिद्धांत, सिंघल मतलब श्रीलंका देश। श्रीलंका में भी जो गौतम बुद्ध का पंचशील सिद्धांत है वो हमारे सम्राट अशोक के जो पुत्र पुत्री थे और उनके चेले थे, उनके जो सन्यासी थे, भिक्षु थे, वो चीन श्रीलंका देश में गए और वहाँ पर जा करके हमारे पंचशील सिद्धांत को लोगों को बताया और वहाँ के लोगों ने भी उसको समझा अपनाया। इसीलिए शील की सिंघल को भी सृष्टि अर्थात पंचशील सिद्धांत को भी श्रीलंका में सृष्टि मिली, तथा वहाँ के लोगों ने उसको अपनाया। तो बच्चों अभी आपने देखा एक जो पाठ है हमारा वो प्रकृति का है, दूसरा आपने देखा जो हमारे राजा हैं उनका गुणगान है, जो पाठ में ही कहा गया है भारत महिमा उसका सही अर्थ इसी लाइन में मालूम पड़ता है, जो हमारे देश का राजा है उनका गुणगान किया गया है, वो किस तरह के थे, किस तरह लोगों को ज्ञान बांटते थे और धन को या दौलत को या साम्राज्य को कुछ नहीं समझते थे, बल्कि लोगों को के दुख को दर्द को अपना समझते थे और धर्म को वो पकड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़े।
उसी का गुणगान जयशंकर प्रसाद जी ने आपके सामने रखा है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की खूबी है, विशेषता है अक्षरावादी कवियों की, कि वो प्रकृति और देश पे ही कविता लिखते हैं, जो आपको सामने दिख रहा है। और हमारा अंतिम पाठ जो है इस कविता का, वो भी देश के बारे में, ये देश प्रजाओं के बारे में है, जो आपके सामने मैं रख रही हूँ। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित्र, चरित्र मतलब होता है चरित्र, पूत मतलब पवित्र, यानी हमारे देश का जो चरित्र है वो बहुत ही पवित्र रहा है। हमारे देश प्रजाओं की भुजा में, यानी उनकी जो भुजा है, बाहु है, उसमें शक्ति रही है। नम्रता रही सदा संपन्न, और उनके जीवन में हमेशा नम्रता सदैव आजीवन संपन्न रूप में, यानी भरपूर मात्रा में रही है। हृदय के गौरव में था गर्व, हमारे देश के जो राजा थे उनके हृदय में अपने देश के प्रति गौरव था, गर्व था। किसी को देख न सके विपन्न, इसीलिए वो कभी किसी को विपन्न मतलब होता है गरीब, गरीब स्थिति में देख नहीं सकते थे, सबको अपना समझते थे, इस तरह के हमारे देश के राजा थे। हमारे संचय में था दान, हमारे जो देश के राजा थे, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना बचाना, वो जो भी संचय करते थे, जो भी धन इकट्ठा करते थे, वो दान देने के लिए करते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो अतिथि यानी जो मेहमान होते हैं हमारे घर में आते हैं, उनको हमेशा सदैव वो देव मानते थे, अथवा अर्थात ईश्वर मानते थे। वचन में सत्य, हृदय में तेज, उनके जो वचन थे उसमें हमेशा सत्यता रहती थी, वो सत्य बोलते थे, उनके हृदय में तेज होता था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, टेव मतलब होती है आदत, और वो जो उनके आदत में, यानी उनके हमेशा जीवन में एक प्रतिज्ञा रहती थी, प्रतिज्ञा वास करती थी, और प्रतिज्ञा में हमेशा दृढ़ता दिखाते थे, अर्थात वो जो कहते थे वो करते थे, इस तरह के हमारा देश के राजा थे। वही है रथ, अब कभी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह के हमारे देश के अतीत के समय के जो राजा थे, उनके अंदर जो गुण था, वैसे ही हमारे अंदर भी है, और वही खून हमारे अंदर भी है। कभी अब यह हमारे पे ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारे साथ भी वैसा ही है। वही है रक्त, वही है देश, वही भी रक्त वही खून हमारे अंदर भी है, वही यह देश भी है, वही साहस हमारे अंदर भी है, वैसा ही ज्ञान हमारे पास भी है। अर्थात वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वैसी ही शांति हमारे पास भी है, वही है शक्ति, वही शक्ति हमारे पास भी है, वही हम दिव्य आर्य संतान, और वही हम दिव्य आर्य की संतान हम भी हैं। इस आर्य की संतान वो है, वही आर्य संतान हम है। बच्चों अब आप सोचेंगे आर्य संतान क्या है? आर्य एक समाज है, उसके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने बहुत पहले इस आर्य समाज की स्थापना की थी, और हम इसी आर्य समाज के संतान माने जाते हैं। तो जो हमारे देश के राजा थे पहले, वही संतान हम भी है, ये पुरातन चलता आ रहा है, जो गुण उनके अंदर था वही गुण हमारे अंदर है। यही कवि कहना चाहते हैं कि जो उन लोगों ने किया वही हमें भी करना चाहिए, तब जो वो है, जो उनके अंदर गुण था वही हम भी है, जो वो भारतवासी है वही भारतवासी हम है। अर्थात इस कविता का सही देखा जाए तो यहाँ पे मोरल यही है, सीख यही है कि जो हमारे देश के पुरातन समय के राजा करते आए हैं, हमें भी वही काम करना चाहिए और वैसा ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति है, वही शक्ति है, और हम भी वही आर्य संतान है। अब अंतिम पंक्ति जो है वो इस कविता की सबसे बड़ी जान है और सबसे ज्यादा सीख है, मोरल है, वो यह है कि कवि यह कहना चाहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, अर्थात हम अगर जिए तो सदा अपने देश के लिए ही जिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, और हमारे मन में यही अभिमान रहे और हर्ष, यानी हमेशा हमारे मन में यही खुशी रहे कि हम अपने देश के लिए ही जिए, न्यूछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। कभी कह रहे हैं हम अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ अपने देश के लिए न्यूछावर कर दें, अर्थात उनके ऊपर वार दें, हमेशा तैयार रहें अपना जान भी देने के लिए, यही है हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो बच्चों आपने देखा कि हमारा जो शंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा कविता हमारे सामने रखा, प्रकृति का रखा, जो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हमारे देश के बारे में बताया कि हमारे देश के जो सम्राट थे वो कैसे क्या किए हैं, हमें भी वैसा करना चाहिए, और हमें अपने अपने देश पे गर्व होना चाहिए, और हमेशा अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत और रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। तो बच्चों आगे जो हमारा देशन है वह है लक्ष्मी,
और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो लेसन। वो लेसन एक गाय के ऊपर है और बहुत अच्छी कहानी है, कहानी बच्चों को बहुत पसंद है। तो आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उसको पढ़िए और उसके बाद देखिए कितना अच्छा लगता है। तो आपके लिए अभी जो दिया जा रहा है वो दूसरा लेसन है लक्ष्मी, उस पर आप पढ़िए, स्टडी कीजिए, आगे हम उसके बारे में आपको बताएं।